नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज टू व्हीलर यानी बाइक हर आम आदमी की बेसिक ज़रूरत बन चुकी है, जिसको चलाने के लिए ज़रूरत होती है पेट्रोल की। और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों से हर टू व्हीलर चलाने वाले के बजट पर बहुत असर हुआ। लोगों को इस समस्या से राहत देने के लिए आज कई ई बाइक मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों ने अपने बहुत सारे मॉडल बाजार में उतारे हैं। ऐसे ही एक ई बाइक के शोरूम पर मैं आपको दिखाऊंगा, जहां आपको मार्केट में मिलने वाली ई बाइक के मॉडल से हटकर कुछ खास फीचर्स और मकसद से बनाई गई ई बाइक मिलेंगे। तो आज मैं इस शोरूम पर आपको दिखाने वाला हूं बच्चों, यूथ, सीनियर सिटीजन यानी बुज़ुर्गों और ख़ासकर हैंडीकैप्ड पर्सन्स यानी विकलांग लोगों की हर बेसिक ज़रूरत व सुविधा के मुताबिक बनाए गए इलेक्ट्रिक बाइक्स। इनके अलावा आपको यहां ऐसा मॉडल भी मिलेगा जिसके ऊपर आप भारी भरकम सामान भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। बात करें इन सभी मॉडल्स की कीमत की, तो वह भी पेट्रोल से चलने वाले बाइक से बहुत कम कीमत पर आप यहां से खरीद सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं शोरूम के बाइक मैकेनिक राकेश कुमार। इनका कहना है कि इनके शोरूम में 30,000 रुपये से लेकर 76,000 रुपये तक के लेड व लिथियम बैटरी से चलने वाले अलग अलग मॉडल, लेटेस्ट टेक्निक और खूबसूरत रंगों में ई बाइक उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया स्मार्टी मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और बच्चों के हिसाब से वजन में भी बिल्कुल हल्की। साथ ही इस ई साइकिल में डिजिटल मीटर, बास्केट और दो बच्चों के बैठने के लिए आरामदायक सीट भी दी गई है। इसकी खास बात यह है कि अगर चलते चलते इसकी बैटरी पावर ख़त्म हो जाए तो एमरजेंसी में आप इसे पैडल से भी चला सकते हैं। उसके बाद यह जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है फाल्कन। इस ई बाइक के बारे में जितना कहूं दोस्तों उतना ही कम होगा, क्योंकि ये मॉडल अपने आप में इतने लेटेस्ट डिजिटल फीचर समेटे हुए है, या यूं कहें कि एसी को छोड़कर कार के अंदर जितनी भी खूबियां होती हैं तकरीबन वो सारी इस मॉडल में आपको मिलेंगी। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके ओवरऑल लुक के अलावा सभी फीचर्स पर। सबसे पहले इसका फुल्ली डिजिटल मीटर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट व रियर डिस्क ब्रेक्स भी इसमें आपको मिलेंगी, मोबाइल चार्जर, आरामदायक सीट और उसके नीचे का जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है जो आप इसमें देख रहे हैं। इन सब के अलावा एक ऐसा फीचर इस गाड़ी में दिया गया है जो आपको शायद किसी भी कंपनी की ई बाइक में नहीं मिलेगा, और वो है USB पोर्ट और ब्लूटूथ। इतने फीचर एक ही बाइक में हो तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा इसे। अब बात करें इसकी मजबूती या माइलेज के बारे में, तो वो इतनी हैवी और मजबूत बॉडी और एक बार चार्जिंग के बाद सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली यही ई बाइक है जिसे आप खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। अगला जो मॉडल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह है Nexa DS, जो कि खास तौर पर हैंडीकैप्ड पर्सन्स यानी विकलांग लोगों के लिए बनाया गया है। इस बाइक की खास बात यह है कि इसमें विकलांग चालकों की सुविधा के लिए बैक गियर भी दिया गया है, ताकि उन्हें बाइक आगे या पीछे करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। इस वक्त हमारे साथ ये युवक मौजूद हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले यह बाइक खरीदी है। क्या नाम है आपका? कितना टाइम दिया हुआ गाड़ी? कितना टाइम से? एक हफ्ता। एक हफ्ते से? कितने में ली है? 60,000। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी चलाते हुए? और चढ़ने या उतरने में कोई दिक्कत या परेशानी आपको होती हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली रोज़ाना कितनी गाड़ी चला देते हो आप? ये 10-12 किलोमीटर रोज का गाड़ी चलती है आपकी? कितना एक बार चार्ज करने के बाद ये कितने किलोमीटर चल जाती है आपको ध्यान?
50 किलोमीटर चल जाती है एक बार चार्ज करने के बाद। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा ई बाइक का एक ऐसा मॉडल जिस पर आप करीब 3.5 क्विंटल तक का वजन आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ई बाइक का एंड्यूरा मॉडल, जिसे आम भाषा में हम लोडर भी कह सकते हैं। इतने ज़्यादा वजन के लिए इस मॉडल में दोनों तरफ 8 शॉकर लगाए गए हैं, जिससे टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये लोडर गाड़ी है इस तरह से, और इस तरह की गाड़ी किसी भी ई बाइक शोरूम के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। एक यही शोरूम है गंगानगर के अंदर जहाँ पे ये गाड़ी उपलब्ध है, और बहुत ही शानदार इसकी शेप है। आप देख सकते हैं राकेश जी हमारे साथ हैं, वो आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर ये सबसे हेवी मॉडल है और ये लोडिंग वास्ते तैयार किया हुआ है। 3.5 क्विंटल की कैपेसिटी है इसकी। पूरे राजस्थान गंगानगर जिले में किसी के पास ये गाड़ी नहीं है इलेक्ट्रिकल, सिर्फ अपने पास ही है। 8 शोकर लगे हुए हैं इसके अंदर और ये 3.5 क्विंटल की कैपेसिटी है इसकी। 3.5 क्विंटल वजन उठाती है सर। गाड़ी की कीमत कितनी होगी अगर थोड़ा आप बताएं? इस गाड़ी की सर 60,000 कीमत है। 60,000 कीमत है, और ये एक बार चार्ज होने के बाद तकरीबन काफ़ी देर तक चल जाती है। हाँ जी। और रोड कैपेसिटी कितनी है? 3.5 क्विंटल। 3.5 क्विंटल रोड इस पर आ जाता है। हाँ जी। यहाँ अगर यहाँ बात करें अगर आगे स्पेस की इसमें काफ़ी है, अगर आगे काफ़ी आगे और पीछे दोनों साइड लगे जाते हैं, पीछे बहुत सी पैसा पीछे भी। आप तो कितनी गाड़ियाँ ये इस तरह की देख चुके हैं? ज़्यादातर लोग गांव के लोग इसको लेना पसंद करते हैं या शहर के लोग भी? शहर में जैसे कोई मार्केटिंग का काम है, किसी का लोडिंग का काम है, वो तो शहर में है, जो गांव में भी ले रहे हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव में लोग पसंद करते हैं। जो लोग गांव से अपना सामान वगैरह के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।